इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में अल सुबह इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। बिल्डिंग में सो रहे 25 से 30 लोग बाहर निकल गए। बता दें कि बिल्डिंग में रास्ते नहीं होने के कारण फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग बुझाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र स्थित चंद्रभागा पुल के पास बनी बिल्डिंग में अल सुबह तड़का 4 बजे बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं बिल्डिंग में सो रहे 3 से 4 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। बिल्डिंग से फायर ब्रिगेड कर्मचारी द्वारा रेस्क्यू कर 25 से 30 लोग बाहर निकाले गए। आगजनी की घटना में घायलों को तुरंत MY में भर्ती किया गया है। वहीं 2 अन्य की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते ही दिन में छोटी फैक्ट्री चलाने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी अधिकारियों ने जांच की बात कही है। कालू भाट की बिल्डिंग थाना राजी बाजार में आग लगी थी। इसमें अभी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। कुछ लोगों को इंजुरी है, जो 4 लोग हैं अभी MYH में भेजे गए। सर, आग कैसे लगी? आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। सर, वाहन भी जले हैं? कितने वाहन हैं? वाहन जले हैं, काफ़ी वाहन जले हैं उसमें। सर, कोई कारखाना भी है नीचे बताएं? ऐसा तो अभी प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगता, क्योंकि वाहन ही वाहन खड़े हैं। कारखाना होगा तो इसकी जांच कराएंगे। मैं चंद्रबागा में बिल्डिंग में आग लगी, हमको 4:15 सुबह मिली। हाँ, अब मैं तुरंत आके मतलब आगे चालू करा। हम बताया आजू बाजू लोगों ने कि अंदर लोग फंसे हैं बिल्डिंग में अंदर। जी, हमने सीढ़ी निकाल के बंद है, उनको सुरक्षित निकाल लिया बाहर। और पड़ोसी बिल्डिंग ऊपर जाके उनको भी मतलब ऊपर जाके इधर से सीढ़ी और फिर पड़ोसी बिल्डिंग से जाके उनको सुरक्षित निकाल लिया। अब ये तो नहीं बता सकता हूँ मैं कि मतलब 7 सेकेंड बता मान सकते हैं, रात के समय ये बोल।